देख रहे हैं पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ अमृता। विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का रण 2018 में आप सभी का स्वागत है। हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किसी एक जिले में शामिल विधानसभा सीटों से रूबरू कराएंगे। पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ, नेताओं के वादे कितने हुए पूरे या रह गए अधूरे। विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बीत चुकी है। इस महाउत्सव में हर नेता डुबकी लगाने में पीछे नहीं है। एक बार फिर चुनाव के मैदान में नेता अपने वादों दावों की लंबी फेहरिस्त लेकर निकल चुके हैं। सरकार जहां अपने विकास कार्यों को गुणगान गाकर जनता से वोट मांग रही है, वहीं विपक्ष सरकार की नाकामियां गिनाकर सत्ता वापसी की राह तलाश रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन तमाम विधानसभा सीटों की पड़ताल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का रण 2018। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का रण 2018 में आज बारी है खंडवा की। खंडवा जिला पूर्वी निमाड़ अंचल का प्रमुख जिला माना जाता है। शंकराचार्य की तपोभूमि राजा मानधता की नगरी ओंकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर धाम यहीं स्थित है। सदाबहार फनकार किशोर कुमार का जन्म खंडवा में हुआ था। वहीं अपनी देशभक्ति कविता से अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व कवि दादा माखनलाल चतुर्वेदी की भी धर्मस्थली खंडवा रही है। दादाजी धूनी वाले की समाधि में अखंड धूनी आज भी पवित्रता के साथ जल रही है। भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी अलौकिक नगरी, एक ऐसा पवित्र धाम जहां खुद भगवान भोलेनाथ पार्वती का वास है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शुमार उज्जैन महाकालेश्वर के बाद ओंकारेश्वर धाम मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी के रूप में दुनिया भर में विख्यात है। मोक्षदायिनी नर्मदा और कावेरी नदी के संगम ओंकार पर्वत पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का प्रमुख आस्था केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधता के कठोर तप के बाद भगवान शिव यहाँ विराजमान हुए। ओम की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से यही हुई थी, इसी कारण इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। स्कंद पुराण, शिव पुराण व वायु पुराण में ओंकारेश्वर की महिमा का उल्लेख मिलता है। पवित्र शिवलिंग भी ओम के आकार की है। सभी तीर्थों के दर्शन के बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन व पूजा का विशेष महत्व है, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद भगवान शिव और पार्वती यही रात्रि विश्राम करते हैं। आदि शंकराचार्य की तपोभूमि ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग और पार्थिव लिंग पास ही स्थित अमरेश्वर और ममलेश्वर में स्थित है। देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शामिल है। अवधूत संत श्री धूनी वाले दादाजी, हरफन मोला कलाकार किशोर कुमार और साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से खंडवा की पहचान है। लेकिन आश्चर्य की बात है ये है कि इतने वर्षों के बाद भी इनसे जुड़े मुद्दों पर अब तक समाधान की दरकार है। भारतीय सिनेमा का एक ऐसा हरफन मौला फनकार जो अपनी गायकी से ही अपनी एक्टिंग के लिए आज भी याद किए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर दा के बारे में। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा में हुआ था। गायकी और अभिनय में अपना लोहा मनवाने वाले किशोर दा गीतकार, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में भी सफल रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में किशोर कुमार का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया और उनकी आखिरी इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार खंडवा में किया गया था। दादाजी धूनी वाले की गिनती देश के महान संतों में की जाती है। खंडवा में उनकी समाधि स्थल पर हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। दादाजी धूनी वाले का अपने भक्तों के बीच वही स्थान है जैसे कि शिरडी के साईं बाबा का। दादाजी धूनी के समक्ष ध्यान मग्न होकर बैठते थे, इसलिए उनके भक्त दादाजी धूनी के नाम से उनका स्मरण करने लगे। भक्तों के बीच उनके चमत्कार आज भी चर्चित है। आज भी पवित्र धूनी 24 घंटे 12 महीने सतत रूप से उज्ज्वलित रहती है। गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। 1930 में दादाजी ने यहाँ समाधि ली थी।
खंडवा से 35 किलोमीटर दूर संत कबीर के समकालीन सिंगाजी महाराज की समाधि पिपलिया ग्राम में है। यहाँ शरद पूर्णिमा के अवसर पर उत्सव का आयोजन किया जाता है। सिंगाजी का मेला निमाड़ की पहचान है। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध, अपनी कलम से अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कवि व पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मस्थली भी खंडवा है। खंडवा में रहने के दौरान माखनलाल दादा ने कर्मवीर अखबार के प्रकाशन के साथ साथ देश को कई अनूठी रचनाएं जैसे पुष्प की अभिलाषा दी है, जो आज भी चर्चित है। नर्मदा नदी तट पर बने इंदिरा सागर बांध बहुउद्देशीय परियोजना के 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधारशिला रखी थी। मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में बिजली आपूर्ति यहीं से की जाती है। किसानों को सिंचाई के लिए ये परियोजना वरदान साबित हुई है। इंदिरा सागर डैम के कैचमेंट एरिया में हनुवंतिया नाम का मानव निर्मित सुंदर टापू सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जल पर्यटन के रूप में हनुवंतिया टापू को विकसित किया गया है। हर साल यहाँ जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सफेद सोने के नाम से मशहूर कपास, गेहूं, मक्का, दाल, सोयाबीन का उत्पादन भी यहाँ बड़ी मात्रा में होता है। ब्रिटिश कालीन के दौरान खंडवा पूर्वी निमाड़ का प्रमुख वाणिज्यिक नगर हुआ करता था। दिल्ली मुंबई मेन रेल लाइन का मुख्य स्टेशन खंडवा में छोटी रेल लाइन भी थी, जो राजस्थान के अजमेर से दक्षिण के हैदराबाद तक जुड़ी हुई थी। हालांकि अब ये बंद हो चुकी है, इसे ब्रॉडगेज लाइन में बदला जा रहा है। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खंडवा जिले का इतिहास, संस्कृति जितनी समृद्ध है, उतनी ही यहाँ की सियासत भी। खंडवा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें खंडवा, मंधाता, हरसूद और पंधाना सीट शामिल है। चारों ही विधानसभा सीटों पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में एक बार फिर जनता को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं। कांग्रेस जहां अपनी खोई हुई ताकत को वापसी पाने के लिए रणनीति में जुटी हुई है, वहीं बीजेपी अपने प्रभुत्व को कायम रखने की कोशिश में है। तमाम राजनीतिक दिग्गज निमाड़ के अहम जिले में जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम आपको खंडवा जिले की खंडवा विधानसभा, हरसूद विधानसभा, पंधाना विधानसभा और मांधाता विधानसभा के उन मुद्दों से रूबरू कराएंगे जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। हम बताएंगे कि किस तरह यहाँ हरसूद विधानसभा में मंत्री विजय साह के लिए कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी सामने नहीं आ रहा है, तो वहीं खंडवा विधानसभा में किस तरह गुटबाजी हावी है। इसके अलावा जिले के सारे उन बिंदुओं को इस रिपोर्ट में हम समेटेंगे जो बताएगी कि विधानसभा चुनाव 2018 में किस पार्टी के पास कितना दम है और जनता उसके साथ कितनी जुड़ी हुई है। दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर स्थित खंडवा जिले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये जिला नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी के मध्य बसा है। कभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की कमान खंडवा के दोनों राजनीतिक दिग्गजों नंद कुमार सिंह चौहान और अरुण यादव के पास होती थी। दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष व इस सीट से सांसद रह चुके हैं। ये उनकी सियासत का गढ़ है। खंडवा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें खंडवा, मांधाता, हरसूद और पंधाना सीट शामिल है। चारों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इकलौती मांधाता विधानसभा सामान्य सीट है। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह हरसूद से विधायक हैं और वे 6वीं बार विधायक चुनकर आए हैं। खंडवा जिले की जातीय समीकरण की बात करें तो खंडवा विधानसभा सीट ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और मुस्लिम बाहुल है। वहीं पंघाना में भील और भिलाल जाति के लोग ज्यादा हैं। जिले की इकलौती मांधाता विधानसभा पर ठाकुर और गुर्जर समाज के मतदाता प्रभावी हैं। वहीं हरसूद सीट पर गोंड, कोरकू जाति संख्या ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार खंडवा जिले की कुल आबादी 13,09,443 है। खंडवा जिला मुख्यालय की खंडवा विधानसभा सीट से वर्तमान में बीजेपी के देवेंद्र वर्मा विधायक हैं। वे लगातार इस सीट से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं।
2013 के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र वर्मा को जहां 89,074 वोट मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मोहन ढाकसे को 55,003 मत प्राप्त हुए। इस तरह जीत का अंतर 34,071 था। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र वर्मा को 56,479 मत मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश सोनकर को 30,611 वोटों से संतोष करना पड़ा। इस तरह देवेंद्र वर्मा की जीत का अंतर 25,868 रहा। 2003 के विधानसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो बीजेपी प्रत्याशी हुकुम चंद यादव को 61,925 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस के रियाज हुसैन को 37,243 वोटों से संतोष करना पड़ा। जीत का अंतर 24,682 था। खंडवा विधानसभा सीट में कुल मतदाता 2,43,525 हैं, वहीं कुल मतदान केंद्र 299। खंडवा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, लिहाजा अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा करीब एक तिहाई ब्राह्मण वर्ग के वोट भी समीकरण साधने और बिगाड़ने में मायने रखते हैं। देवेंद्र वर्मा लगातार दूसरी बार यहां से विधायक हैं। इस बार वे भी टिकट पाने के लिए भोपाल दौड़ रहे हैं, लेकिन दावेदारों की लंबी लिस्ट है। देवेंद्र वर्मा का पार्टी में दूसरे नेता अंदरूनी रूप से विरोध कर रहे हैं, कई नेता उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, वहीं लंबे समय से हार का मुंह देख रही कांग्रेस इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती, दमदार उम्मीदवार की तलाश में लगी है जिससे यहां वो वापसी कर सके। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा से सांसद रह चुके अरुण यादव और खंडवा के वर्तमान सांसद व बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का इस सीट पर प्रभाव है। हाई प्रोफाइल सीट हरसूद की बात करें तो इस सीट से राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह प्रतिनिधित्व करते हैं। वे 6 बार यहां से विधायक चुनकर आ चुके हैं। 2013 के चुनाव में उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया था। कुंवर विजय शाह को जहां 73,880 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार सूरज भानु सोलंकी को 30,309 वोट से संतोष करना पड़ा। जीत का अंतर 43,571 था। जीत का यह अंतर बड़ा था। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में विजय शाह भारी अंतर से चुनाव जीते थे। 2008 के विधानसभा परिणाम देखें तो बीजेपी से निर्वाचित कुंवर विजय शाह को 56,401 वोट मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमलता काजदे को 35,360 मत मिले। इस तरह जीत का अंतर 21,041 रहा। वहीं 2003 के विधानसभा चुनाव में कुंवर विजय शाह को 56,649 वोट मिले, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमलता काजदे को 42,377 मत मिले। इस तरह जीत का अंतर 14,272 था। हरसूद विधानसभा में कुल मतदाता 1,94,000 हैं, वहीं कुल मतदान केंद्र 272। खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। इस विधानसभा से बीजेपी की ओर से दावेदारी एकमात्र वर्तमान विधायक और मंत्री विजय शाह के अलावा कोई नाम सामने नहीं आ रहा। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे भैया लाल माइकल के निष्कासन के बाद से ऐसी स्थिति इस बार बीजेपी में दिखाई नहीं दे रही है। वहीं कांग्रेस की स्थिति सबसे कमजोर है। विजय शाह के कद के आगे बहुत कम नेता उम्मीदवारी जता रहे हैं। कांग्रेस की ओर से इस सीट के लिए पिछली बार भी बाहरी प्रत्याशियों को ही सामने आना पड़ा था। इस बार भी कई नेता अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं पंघाना विधानसभा की, तो 2013 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार योगिता बोरकर को 89,732 वोट मिले, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार नंदू बारे को 72,471 मत मिले। इस तरह जीत का आंकड़ा 17,261 रहा। वहीं 2008 के परिणाम पर नजर डालें तो बीजेपी के अनार भाई वास्कले को 53,064 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के नंदू बारे को 49,671 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। जीत का अंतर 3,393 रहा। 2003 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार किशोरी लाल वर्मा को जहां 56,236 मत प्राप्त हुए, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हीरा लाल सिलावट को 39,416 वोट मिले। इस तरह जीत का अंतर 16,820 था। पंघाना एसटी आरक्षित सीट पर उम्मीदवारी के लिए खंडवा के कई बीजेपी आदिवासी नेताओं की नजर लगी हुई है। कभी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही पंघाना, पिछले 3 बार से बीजेपी का कब्जा है।
कांग्रेस की ओर से इस सीट के लिए महिला उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है। वर्तमान बीजेपी विधायक योगिता बोरकर का दावा भी मजबूत दिख रहा है। बीजेपी से भी कई दावेदार भोपाल से दिल्ली तक अपना टिकट पक्का कराने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस के दावेदारों की संख्या भी अच्छी खासी है। खंडवा जिले की चारों विधानसभा सीटों में से एक लौती सामान्य मानधाता सीट पर पिछले दो बार से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने 2003 की हार का बदला 2008 के चुनाव में लिया और कांग्रेस ये सीट से हार गई। बीजेपी के लोकेंद्र सिंह तोमर लगातार दूसरी बार विधायक है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों की नजर इस सीट पर है। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर के वोटर भी इसी सीट में शामिल हैं। 2013 के चुनाव परिणाम को अगर देखें तो बीजेपी प्रत्याशी लोकेंद्र सिंह तोमर को 65,327 वोट मिले, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार नारायण पटेल को 60,990 मत प्राप्त हुए। इस तरह जीत का अंतर सिर्फ 4,337 रहा। 2008 के चुनाव में बीजेपी के लोकेंद्र सिंह तोमर को जहां 51,386 मत मिले तो कांग्रेस के राजनारायण सिंह पुरनी को 30,730 वोट से संतुष्ट होना पड़ा। लोकेंद्र सिंह तोमर ने 20,656 के अंतर से पुरनी से ये सीट छीनकर अपने नाम कर ली। 2008 परिसीमन से पहले ये सीट निमारखेड़ी के नाम से जानी जाती थी। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राजनारायण सिंह पुरनी की जीत हुई। पुरनी को जहां 33,464 वोट मिले वहीं बीजेपी के कुंवर नरेंद्र सिंह तोमर को 88,903 वोट मिले। जीत का अंतर 4,561 था। मानधाता विधानसभा में कुल मतदाता 1,84,593 हैं, वहीं मतदान केंद्र 264 हैं। खंडवा जिले की चारों विधानसभा सीटों में से मानधाता ही सामान्य सीट है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से एक अनार सौ बीमार की स्थिति बनती दिख रही है। सबसे ज्यादा कश्मकश इसी सीट पर आ रही है। राजपूत बाहुल सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की ओर से लंबी फहरिस्त टिकट के दावेदारों की है। कई नए पुराने नेता अपनी उम्मीदवारी पक्की करने के लिए अपने अपने आकाओं के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। बीजेपी से वर्तमान विधायक लोकेंद्र सिंह तोमर इस बार भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन उनका भी अंदर ही अंदर विरोध हो रहा है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान और उनके बेटे हर्षवर्धन चौहान के भी इस सीट से लड़ने की संभावना जताई जा रही है। इधर कांग्रेस अपने हार का सूखा खत्म करने के लिए दमदार उम्मीदवार की खोजबीन में जुटी हुई है। कई कांग्रेस नेताओं की नजर इस विधानसभा सीट पर बनी हुई है। राजपूत बाहुल इस सीट से दोनों प्रमुख पार्टियों के साथ ही यहां बसपा भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खंडवा जिले में समस्याओं का एक टापू नजर आता है। यहाँ के लोग आस लगाए बैठे हैं कि खंडवा तरक्की के नए रास्ते पर आगे बढ़े। आज भी ये जिला मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, खेती, किसानी समेत तमाम मुद्दे हैं। कई पावर प्रोजेक्ट होने के बाद भी स्थानीय युवा बेरोजगार हैं। चुनावी महासमर में गूंजेंगे। शहर के हृदय स्थल घंटा घर की इन घड़ियों को देखिए। ये लंबे समय से बंद पड़ी हुई हैं। इनमें समय नहीं बदल रहा है, लेकिन जनता नेता बदलने के मूड में दिखाई दे रही है। यहाँ की जनता को बेहतर स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, रोजगार के लिए उद्योग और अच्छी सड़कों की दरकार है। इंदौर फोर लेन की मांग लंबे समय से जारी है। शहरी ढांचे का व्यवस्थित नहीं होना अब तक यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। इंदौर और महाराष्ट्र के अकोला के बीच चलने वाली छोटी लाइन की ब्रॉडगेज में बदलने का काम भी धीमा है। कभी ये लाइन अजमेर से हैदराबाद को जोड़ती थी, फिलहाल कन्वर्जन के चलते पूरी तरह से बंद हो चुकी है। स्वास्थ्य मुद्दों की बात करें तो डॉक्टरों की कमी और लचर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों की सेहत ठीक नहीं कर पा रही है। हाँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से मरहम जरूर लगा है। दावों और वादों के बीच मुद्दे भी चुनावों में हावी रहते हैं। विपक्ष
तैयारी में है कि वे विधानसभा और जिले के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए और सत्ता पक्ष की नाकामियां गिनाए। सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा ने भी पूरी तैयारी कर रखी है कि वे अपनी उपलब्धियों को बताकर जनता से वोट मांगे। खंडवा विधानसभा में भाजपा के पास बताने के लिए मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ी उपलब्धि है। खंडवा विधानसभा की बात करें तो यहां से वर्तमान विधायक देवेंद्र वर्मा लगातार दूसरी बार विधायक हैं। पिछले चुनाव में जनता ने उन्हें 34,000 से अधिक वोटों से जीत का सहरा बांधा था। इस बार भी वे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन नर्मदा जल योजना में घर घर मीटर लगने, पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई शहर की सड़कें, यातायात का बोझ कम करने के लिए अटके ओवरब्रिज, रूधी में बनाए गए ग्रोथ सेंटर का ना बन पाना, ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई के वादे पर सिर्फ भूमि पूजन तक ही सीमित रह गया है, उद्योगों का भी विकास नहीं हो पाया है, वहीं किशोर कुमार का मकान जर्जर हो चुका है। एक भारतीय आत्मा कहे जाने वाले प्रसिद्ध कवि, पत्रकार व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं को सहेजने वाला कोई भी नहीं है। पुष्प की अभिलाषा जैसी कविता से आजादी के मतवालों में जोश भरने वाले माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा से कर्मवीर अखबार का प्रकाशन करते थे। बरसों पहले उनका मकान बिक गया था, अब उनके साहित्य व कई अप्रकाशित रचनाओं की किसी ने सुध नहीं ली है। चाय की चौपालों तक चुनावी मुद्दों के साथ ही चुस्कियां ली जा रही हैं। लोगों का मानना है कि वो पूरी तरह से खड़े नहीं उतर पाए हैं। हालांकि देवेंद्र वर्मा का कहना है कि जो विकास कार्य किए हैं उनके बूते फिर से जीत पक्की है। देखिए, जहां तक औद्योगिक विकास की बात है, उसमें एक ग्रोथ सेंटर की स्थापना शासन द्वारा की गई बिना किसी योजना के, जो पूरी तरह असफल रहा है, शून्य माना जाए उसको तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो भी सरकार अपने निर्णय लेती है उसमें किसी भी तरह से उद्योग वाले क्षेत्रों से किसी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसका कारण ये रहा कि ट्रांसपोर्ट नगर जो बन रहा है वो एक अलग क्षेत्र में है, बिल्कुल विपरीत दिशा में, जबकि कोशिश ये होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट नगर और औद्योगिक क्षेत्र आसपास हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब एकदम दूसरी ओर ग्रोथ सेंटर बना दिया जहाँ तक ट्रकों का आवाज आना बहुत मुश्किल है। आर्थिक दृष्टि से भी उसकी दरें ऐसी रखी गई है कि उनका आवंटन हो पाना मैं समझता हूँ लगभग असंभव। पिछले 10 साल से देवेंद्र वर्मा यहाँ पर विधायक है और पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नगर निगम में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं, किंतु शहर आज भी टैंकर मुक्त नहीं हो पाया है। पूरे शहर में अभी भी गरीब बस्तियों में टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है। उसके बाद देखा जाए तो पूरी यातायात व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। शहर में यातायात की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की, वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में सियाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना के नाम पर 10 साल से किसानों को छल रहे हैं, जिसका कि एक झूठा भूमि पूजन कर दिया गया जावर सेक्टर में, और उसको जो पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरे क्षेत्र को, पूरी जनता को अभी भ्रमित करने में लगी हुई है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके जहाँ एक और प्रत्येक गांव को बिजली से सड़क से जोड़ा है, तो वहीं प्रत्येक घर तक भी बिजली पहुंचाने का काम करा है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें हमारे विधानसभा क्षेत्र खंडवा की, तो हमने चाहे बमन गांव हो, फिर चाहे अगर हम बात करें सतवाड़ा हो, कालमुखी हो, रोहिणी हो, इस प्रकार हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र में 4 से 5 ग्रिडे बनवाने का काम करा, जिसके माध्यम से आज पर्याप्त बिजली, अगर हम कहें कि घरों में 24 घंटे बिजली, तो सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली आज हमारे क्षेत्र में मिल रही है। और इसी प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में यही स्थिति है कि जो मांग पूर्ति का अंतर कम हुआ है, और साथ ही साथ आज मध्य प्रदेश सब प्लस बिजली बना रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक कुशल नेतृत्व है कि हर क्षेत्र में हम एक अच्छी स्थिति में, एक अच्छी इससे भी बहुत अच्छी स्थिति में आज खड़े हुए हैं। विधानसभा चुनाव इस बार किसानों की बड़ी भूमिका होने वाली है। किसानों को लुभाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां संबल योजना में किसानों को राहत देने का दावा कर रहे हैं, किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिल पाया है, जंगली जानवरों के चलते फसलें भी खराब हो रही हैं, कांग्रेस भी कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। उसको लेकर हम बीमा क्लेम की मांग कर रहे थे सरकार से,
और बीमा क्लेम अभी हमारे यहाँ 87 हलकों में बीमा क्लेम नहीं पहुँचा किसानों से, जिससे काफ़ी आक्रोश है। तो हम बीमा की मांग रख रहे हैं। आज हमारे कम से कम एक लाख किसानों के बीमा क्लेम अभी बाकी है, और कुछ मतलब बीमा क्लेम आया है तो कुछ राशियाँ भी उसमें आमीन करता हुई है, इसमें राशियाँ भी कुछ कम आई है किसानों को, जिससे ज़्यादा बीमा कटा है उससे कम राशि बीमा क्लेम मिला है। और आगे आज हमारी खरीफ फसल पूरी बर्बाद हो गई। इधर इस खालवा बेल्ट में पीला मोजक आ गया, मक्का की फसल शोर नुकसान कर रहे, जानवरों से काफी पीड़ित है किसान। हरसूद विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य और कुपोषण के मामले चुनौती बन सकते हैं। खालवा रोशनी क्षेत्र के गाँव में कुपोषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गाँव गाँव तक स्कूल तो शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन गोंड कोरकू समुदाय की शिक्षा का स्तर अब भी ऊंचा नहीं उठ पाया है। हरसूद मुख्यालय पर विस्थापितों की रोजगार की समस्या बनी हुई है। विस्थापन का दर्द सह रहे हरसूद वासी उद्योग का इंतजार कर रहे हैं। मंत्री विजय शाह इस सीट पर 6 बार अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। विकास को लेकर अपने अलग ही दावे हैं। मंत्री जी को जीत का इतना भरोसा है कि वे कहते हैं कि विपक्षी हमसे सीख ले। बुजुर्गों की सेवा, हमारे मतदाताओं की सेवा, ये मेरा आज का धर्म नहीं है, ये सब लोग जानते हैं जिन्होंने मुझे कई दिन गोदी में भी खिलाया होगा। 28 साल से जब भी हम किसी गांव में जाते हैं और वहां लगता है कि कोई बुजुर्ग कोई महिला बीमार है, उसको नेक्स्ट डे हम गाड़ी भेज के दूर यहाँ बुलाते हैं। ये हम इसमें कोई एहसान नहीं करते, इनका फ़र्ज अदा कर रहे हैं जो इन्होंने मान सम्मान हमें वोट दे के दिया है। हम जितनी इनकी सेवा कर सके इसमें हम अपना फ़र्ज महसूस करते हैं, और ये ज़्यादा जिए, तंदुरुस्त जिए और खुश रहें कि उनका भाई मंत्री है। इसके कारण ये तो हमारा डेली का काम है, इसमें कोई हम नया काम नहीं कर रहे। पंधाना विधानसभा में इक्षापुर इंदौर हाईवे का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इसे 4 लेन की मांग लंबे समय से की जा रही है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। क्षेत्र में अभी भी कई दुर्गम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पहुंच पाना मुश्किल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। योगिता बोरकर ने जनता से सीधे कोई बड़ा वादा नहीं करते हुए सिर्फ सेवा की बात कही थी। छेगांव माखन उद्वहन सिंचाई परियोजना की बड़ी स्वीकृति उन्होंने करवा ली। योजना पर तेजी से काम चल रहा है। कॉलेज भवन स्वीकृत कराने के साथ ही छेगांव माखन में खेल मैदान बनवाया गया है। लेकिन भगवंत सागर बांध की नहरों को बढ़ाने की ग्रामीणों की मांग पर बात कागजों तक ही सिमटी हुई है। वर्तमान विधायक योगिता बोरकर पूर्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रह चुकी हैं। इसके बाद भी दुर्गम क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच नहीं पाई हैं। खंडवा जिले की चारों विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक मानधाता विधानसभा सामान्य सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश मतदाता ओंकारेश्वर व उसके आसपास के हैं। तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाओं का अभाव, जर्जर सड़कें, घाटों की खस्ता हाल हालत, इस इलाके में कई पावर प्लांट, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट तो लग गए, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। इन परियोजनाओं में सैकड़ों गांव और कई कस्बे डूब गए। हरसूद नगर अब जल समाधि ले चुका है। डूब क्षेत्र के हजारों प्रभावित आज भी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट की शरण में हैं। सैकड़ों गांव के हजारों किसानों को नहरों से पानी देने का वादा अब भी अधूरा है। आज सिंगाजी थर्मल पावर के डस्ट से लोग परेशान हैं। इंदिरा सागर परियोजना में विस्थापित हजारों लोग आज भी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओंकारेश्वर में नर्मदा की जल धारा को निरंतर जारी रखने की मांग भी है। ओंकारेश्वर में घाटों पर पानी ना होने की समस्या रोजमर्रा की हो गई है, लेकिन कोई प्रभावी उपाय नहीं हुआ है। ये मांग ओंकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं के स्नान व भक्ति से जुड़ा हुआ है। वहीं डैम से अचानक पानी छोड़े जाने से कई लोग डूब भी चुके हैं। लोकल लोग ज्यादा से ज्यादा लगे, आज उसी कारण है कि वहाँ पे आज छलपी का हो, गेलगांव का हो, चिराखान का हो, पुरनी का हो, आसपास के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, नहीं तो सब बाहर के लोग लगा रहे हैं। इनको ये नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि जहाँ पे जमीन जा रही है वहाँ पे वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ये नीति स्पष्ट होनी चाहिए। हम हमारे नेताओं के ऊपर बताएंगे कि जहाँ पे भी इस टाइप की परियोजना आती है वहाँ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये रखा जाए कि लोकल लोगों को वहाँ प्राथमिकता दी जाए और नौकरी दी जाए। विधानसभा चुनाव में इस बार आरक्षण का मुद्दा भी जोरों शोरों से गूंज रहा है। एट्रोसिटी एक्ट के विरोध का असर चुनाव में देखने को मिलेगा।
प्रमोशन में आरक्षण सहित कई मुद्दों को लेकर गठित हुआ सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कर्मचारियों का संगठन सपाक्स ने भी प्रदर्शन की सभी 230 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के उतारने का फैसला किया है। शासकीय कर्मचारियों का ये संगठन बीजेपी को पूरी चुनौती दे रहा है। मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय ये भूल चुके हैं कि वो जो भारतीय जनता पार्टी जो जीतती आई है वो सवर्णों के वोट से जीतती आई है और उन्होंने सवर्णों को ही जेल में डालने का कानून बना दिया। मुझे तो ये बड़ा दुख का विषय लगता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक सवर्णों को दबाने की राजनीति कर रहे हैं। न मालूम मुझे ये कैसी राजनीति है। आज स्थिति ये हो गई कि जो सवर्ण शांतिपूर्वक ढंग से अपने संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत अपना विरोध दर्ज करा रहा है उस शासकीय कर्मचारी को भी SDM कलेक्टर IAS अधिकारी तबे से डांटते हैं, तबे से। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। पोलिंग बूथों तक सक्रिय हो गई है। पिछली जीत व हार पर मैनेजमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। खंडवा पंधाना मांधाता और हरसूद विधानसभा सीट पिछले 15 सालों में बीजेपी का गढ़ बन चुका है। पिछले चुनाव में चारों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कांग्रेस को करारी मात दी थी। बीजेपी का मजबूत गढ़ होने के बावजूद कांग्रेस कुछ मतदान केंद्रों पर बीजेपी से आगे निकली थी। बीजेपी का अपना पूरा ध्यान ऐसे ही पोलिंग बूथों पर है जहां पिछले चुनाव में लीड नहीं मिली थी। कांग्रेस भी बीजेपी सरकार के 15 सालों के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। जवाब दो, हिसाब दो, पोल खोलो जन जागरण यात्रा चल रही है। ये जवाब दो, हिसाब दो, जन जागरण पोल खोलो अभियान यात्रा 31 अक्टूबर को पुणे शाम में समापन होगा। ये मांधाता विधानसभा के प्रत्येक मतदान केंद्र पर जाएगी, जनता की ज्वलंत समस्याओं को हम उठाएंगे, सरकार के जो नाकामियां हैं वो गिनाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बैठने के बावजूद भी, लंबे समय से सत्ता पे काबिज होने के बावजूद भी उल्टा कांग्रेस को कोसते हैं और हिसाब मांगते हैं, तो हम हकीकत जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि पिछले 15 वर्ष के शासन में मध्य प्रदेश सरकार किस प्रकार से विफल रही है और उनको हिसाब देने की बारी है, हम उनसे जवाब मांगे। पुराने समय से लेकर विगत साल भर से हमारी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। बूथ स्तर तक का हमारे कार्यकर्ताओं को हमने मजबूत कर दिया है। बूथ स्तर तक के हमारे कार्यक्रम जो होते हैं, बूथ स्तर पे हमारा संगठन का भी ढांचा खड़ा हो चुका है। पन्ना प्रमुख भी हमारे बन चुके हैं। उसके साथ साथ हमारे ग्राम केंद्र के पालक संयोजक, उनको भी हमने जवाबदारी दी है। सेक्टर बनाए, सेक्टर में भी हमने जवाबदारी दी है। ग्राम केंद्र पे 5 से 7 बूथ होते हैं, उसकी भी जवाबदारी पालक और संयोजकों को दी है। एक सेक्टर में 2 से 3 ग्राम केंद्र होते हैं, वो भी हमने अपने व्यवस्था में जोड़ चुके हैं। उसके बाद मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर हमारे समय समय पर बैठकें होती है और जो कार्यक्रम प्रदेश से और संभाग से आते हैं उसको नीचे तक ले जाने का हम प्रयास करते हैं। खंडवा जिले की विधानसभाओं में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब स्टार प्रचारक भी मैदान में कूद चुके हैं। एक तरफ जहां CM शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए कमान संभाले हुए हैं, वहीं कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे चल रहे हैं। चुनाव में जीत के लिए पार्टियों के लिए निमाड़ अंचल बहुत महत्वपूर्ण है। यहां खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर जिलों में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। जीत के लिए तमाम पार्टियां मुद्दों, वादे और दावों के साथ जनता से वोट मांग रही है, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खंडवा के सियासतदान अपने वादों और दावों में कितने खरे उतरे, आइए जनता जनार्दन से जानते हैं। विधायक लोग कुछ नहीं बोलते, ना आते किसी मुद्दे पे, वो दिखते ही नहीं वो कहाँ है। उनको तो बोलते ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये मुद्दे है, ये जवान से मुद्दे है, ये इस तरह के जो मुद्दे उनको दिखते ही नहीं है ना, तो वो कभी आते हैं कोई ऐसा जनहित के मामले में। और रही बात लोकल मुद्दा, हमने हमारे विधायक से बहुत उम्मीदें थी जो कि हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। गर्मी में हम जाएंगे, डब्बे है, पानी की दिए है, चप्पल दिए है, कांटा कट जाएगी करके, गर्मी होती है करके, पाँव जल जाएगी करके दिए है हमारी मंत्री जी ने हमको। मंत्री से बड़ा कौन है फिर हमको मंत्री दिया है। भारतीय जनता पार्टी का शासन चला रहा है, यहाँ पर विधायक और सांसद घूम रहे हैं, उनका एक भी ऐसा काम नहीं है जो मील का पत्थर बने या आने वाले समय में बता सके हमने ये काम किया है।
जो भी योजना आई सेंट्रल से आई उसके बाद भी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाए, पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है इनका। नर्मदा जल योजना हो चाहे हॉस्पिटल की योजना हो, सारी योजनाएं जो है कांग्रेस शासित रही है, ये हमारे अरुण यादव जी ने लाके दिए सारी योजना को, उन योजनाओं को कार्यगत किया गया उसका श्रेय लेने के लिए ये काम कर रहा है। युवाओं के रोजगार को लेकर के, शिक्षा में जो हम खंडवा जिले में पिछड़े हुए हैं उस मुद्दे को लेकर के इस बार कांग्रेस खंडवा में चुनाव लड़ने वाली है। रोजगार के क्षेत्र में युवा बहुत पिछड़ता जा रहा है, लोग युवा पलायन करने पर मजबूर है। तो ये रहा निमाड़ के खंडवा जिले के विधानसभा सीटों की तस्वीर। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए जिले की विधानसभा सीटों के हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।